हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑस्कर 2020 के सभी पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है, तो आज के इस वीडियो में हम ऑस्कर अवार्ड 2020 से रिलेटेड टॉप 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 16 मई 1929 को, यानी इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था 16 मई 1929 को। और ऑप्शन में आपको जो सन दिख रहे हैं इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो मैं आप लोग बता दूँ 29 मई 1949 बाफ्टा अवार्ड की स्थापना की गई थी, और बाफ्टा अवार्ड ये फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। 4 मई 1959, तो 4 मई 1959 को स्थापना हुई थी ग्रैमी अवार्ड्स की, ग्रैमी अवार्ड्स जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। और अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ये दिया जाता है फिल्म जगत में उत्कृष्टता के लिए। और संगीत जगत में उत्कृष्टता के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड। और अभी मैंने बताया ग्रैमी अवार्ड की स्थापना कब की गई थी, 4 मई 1959 को, जबकि ऑस्कर अवार्ड की स्थापना की गई थी 16 मई 1929 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 फरवरी 2020 को संपन्न ऑस्कर अवार्ड का कौन सा एडिशन था? तो जैसा कि मैंने बताया है, इसका जो पहला एडिशन था 1929 में, उस प्रकार से यदि देखा जाए तो 2020 का ऑस्कर अवार्ड ये था 92nd एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, यूएसए में। और ऐसा लगातार 18वीं बार हुआ है कि ऑस्कर अवार्ड का आयोजन कैलिफोर्निया, यूएसए में किया गया। अब यहाँ पर बात आई है कैलिफोर्निया की, तो कैलिफोर्निया में किसका किसका हेडक्वार्टर है? ये हेडक्वार्टर स्थित है फेसबुक का, ट्विटर का, यूट्यूब का और गूगल का, सभी दिग्गज कंपनियाँ हैं, इन सभी का हेडक्वार्टर स्थित है कैलिफोर्निया, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीत लिया है पैरासाइट ने। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे, तो इनका नाम था बोंग जून हो, ये थे इस फिल्म के डायरेक्टर। और इसने जीता है 92nd ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड, जबकि पिछले साल यह अवार्ड जीता था ग्रीन बुक ने, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है जोकिन फेनिक्स ने। और जोकिन फेनिक्स, इन्हें यह अवार्ड किस फिल्म के लिए दिया गया? जोकर फिल्म के लिए। तो आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि जोकर फिल्म के डायरेक्टर कौन हैं, तो इनका नाम है टोड फिलिप्स। तो डायरेक्टर का नाम भी आप याद रखेंगे। ये थे ऑस्कर 2020 में बेस्ट एक्टर, और ऑस्कर 2019 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था रामी मैलेक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर 2020 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? मैं आप लोग बता दूं, फिल्म जगत का यदि कोई भी अवार्ड होता है तो इसमें 4 अवार्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर। तो ये 4 सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेस्ट एक्ट्रेस की। और ये अवार्ड जीता है रेनी जेलवेगर ने, और रेनी जेलवेगर, इन्होंने अवार्ड अपनी फिल्म जूड़ी के लिए जीता है। और यदि हम बात करें ओलिविया कोलमैन की, तो इन्होंने ऑस्कर 2019 में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर 2020 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है ब्रैड पिट ने। और ब्रैड पिट, इन्होंने किस फिल्म के लिए अवार्ड जीता है? वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड, इस फिल्म के लिए इन्होंने जीता है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड। और ये जो फिल्म है वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड, इसके डायरेक्टर का नाम भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इनका नाम है क्वेंटिन टेरेंटियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑस्कर 2020 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? और एक्ट्रेस में अवार्ड जीत लिया है लॉरा डर्न ने। और लॉरा डर्न, इन्होंने अपनी फिल्म मैरिज स्टोरी यानी कि विवाह कहानी के लिए यह अवार्ड जीता है। अभी यदि हम बात करें मैरिज स्टोरी फिल्म की, तो इसके डायरेक्टर कौन है? तो इनका नाम है नोआह बोमबैक। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और बेस्ट डायरेक्टर, इसका अवार्ड जीता है बोंग जून हो ने। और बोंग जून हो, इन्होंने अपनी किस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है? इनकी फिल्म पैरासाइट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर 2020 में ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीत लिया है पैरासाइट ने। और पैरासाइट मूवी के डायरेक्टर का नाम अभी मैंने बताया है बोंग जून हो, तो इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर 2020 में बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? और ये जीत लिया है टॉय स्टोरी ने। और टॉय स्टोरी, इसके डायरेक्टर कौन है? तो इनका नाम है जॉन लेसेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर 2020 में बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड किसने जीता है? और ये जीत लिया है 1917 मूवी ने। और 1917 मूवी के डायरेक्टर कौन है? तो इनका नाम है, और ये जो 1970 मूवी है, इसे अभी हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया था, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर 2020 में एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म कैटेगरी का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता हेयर लव ने। और हेयर लव, इसके डायरेक्टर कौन है? मैथ्यू ए चेरी और ब्रियूस डब्ल्यू स्मिथ, ये थे इसके डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर 2020 में भारत की तरफ से कौन सी फिल्म नामित की गई थी? ये की गई थी गली बॉय। और गली बॉय, इसके डायरेक्टर कौन है? तो इनका नाम है जोया अख्तर। और इसने तो कोई अवार्ड नहीं जीता, लेकिन कुछ समय पहले ही इसे दक्षिण कोरिया में 23वें बुकयान फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था। साथ ही कुछ समय पहले ही गली बॉय और दिल्ली क्राइम, दिल्ली क्राइम जो कि एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ है, इन दोनों को ही कुछ समय पहले ही एशियाई एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर 2020 में सबसे ज़्यादा किस फिल्म को नॉमिनेट किया गया? तो देखिए, नॉमिनेट करना और विनर रहना दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा बार नॉमिनेशन मिला जोकर फिल्म को, कुल 11 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर 2020 में सबसे ज़्यादा अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो सबसे ज़्यादा अवार्ड जीता पैरासाइट मूवी ने। कुल कितने अवार्ड? 4 अवार्ड अपने नाम किए। तो दोस्तों, ये थे ऑस्कर 2020 से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 70 MCQ। आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद आया है। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।